जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 41, 42, 43, 44, 45 पर चर्चा करेंगे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखे कुरुन नंदन बहुशाखा हयनंतश्चय बुद्धियो व्यवसायी नाम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनकी बुद्धि लक्ष्य पर केंद्रित होती है वे अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, अर्थात जिनका ध्यान एक ही उद्देश्य पर केंद्रित होता है वे सफलता प्राप्त करते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग एक ही लक्ष्य में बुद्धि का उपयोग उसी दिशा में करते हैं। जो लोग स्थिर और निश्चयात्मक नहीं होते उनकी बुद्धि कई दिशाओं में बट जाती है और वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हमको जीवन में अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझकर अपनी बुद्धि और ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। यामिमां पुष्पितां वाच्यं प्रवदन्ते विपरीत्य वेदवार्ता पार्थ नान्य दस्तीति वादिन। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग अल्प ज्ञान वाले होते हैं वे वेदों को बाहरी अर्थों और कर्म कांडों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग वेदों में बताए गए यज्ञ हवन और अन्य धार्मिक कर्म कांडों को केवल इस उद्देश्य से करते हैं कि उन्हें स्वर्ग मिल जाए, अच्छा जन्म मिले। ये लोग मानते हैं कि यही सब कुछ है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। वे वेदों के गहरे आत्मिक अर्थ को समझने में असमर्थ होते हैं। वे यह नहीं समझते कि वेदों का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति है, न कि केवल भौतिक सुखों का आनंद लेना। कामात्मना स्वर्ग पराजन कर्म फल पादम क्रिया विशेषण बहुलाम भोगे स्वर्गितम प्रति। ऐसे लोग जो इंद्रिय सुखों की कामनाओं में डूबे होते हैं स्वर्ग को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हुए सोचते हैं कि स्वर्ग में जाने से ही उनका जीवन सफल होगा। इसके लिए वे कई तरह के जटिल कर्मकांड और यज्ञ करते हैं, उन्हें भौतिक सुख और पूर्व जन्म के फल देंगे। ये कर्मकांड उन्हें अस्थायी रूप से सुख और धन की प्राप्ति तो दे सकते हैं लेकिन ये उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं कर सकते। मोक्ष तो केवल आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख संपत्ति या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है बल्कि हमें वेदों के गहरे अर्थों को समझाकर अपने जीवन में सही दिशा में ले जाना चाहिए। भोगेश्वराय परस्थानाम तथा पहरता चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यायते। अर्थात जो लोग भोग धन संपत्ति और ऐश्वर्य यानी वैभव में अत्यधिक आसक्त होते हैं, जिनका मन इन चीज़ों से मोहित हो गया है, वे इन चीज़ों में इतना खो जाते हैं कि वे आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल पाते और उन्हें सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रय गुणों भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यस्थितो निर्योग से आत्मवान। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों के त्रिगुण सत्व रज और तम से परे जाने का निर्देश दे रहे हैं, अर्थात वेद भौतिक जगत के त्रिगुणों सत्व रज और तम से संबंधित हैं। हे अर्जुन, तुम इन गुणों से परे हो जाओ और द्वंद्वों से मुक्त रहो। सत्व गुण में स्थिर रहते हुए बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्य का पालन करो। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।